नमस्कार प्रणाम, मैं सूरज यादव आप सभी को पैर छूके प्रणाम करता हूँ। मेरे भाई लोग, आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव जी का जीतने का कारण क्या है, दिनेश लाल यादव जी कैसे जीत गए और सपा कैसे हार गया, यही मैं आप लोगों से बताऊंगा। बहुत से लोग इस प्रकार से बोल रहे हैं कि आजमगढ़ तो सपा का गढ़ है, फिर भी सपा कैसे हार गया, तो चलिए हम आपसे बताते हैं। मेरे भाई लोग, आजमगढ़ में चुनाव प्रचार के समय एक नारा गूंज रहा था कि जो भी यही रेजिमेंट बनाएगा वही यादवों का वोट पाएगा। उस समय दिनेश लाल यादव जी अपना प्रतिक्रिया रखे इस प्रकार से। भारत में ये लोग भ्रमण कर रहे हैं और ये सम्मान की बात है, ये हमारे हक की बात है। अहिर रेजिमेंट हक है हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से चुनाव के बाद इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि इस दिनेश लाल यादव जी बोले कि जब मैं आजमगढ़ से जीत जाऊंगा तो डायरेक्ट मोदी जी से जाके बात करूंगा अहिर रेजिमेंट के लिए। इससे ये होता है कि जो भी सपा के सपोर्टर है उनमें से 100% में 50% सपोर्टर कट के और दिनेश लाल यादव जी की तरफ से आ जाते हैं, प्लस पॉइंट ये बनता है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है मेरे भाई लोग कि जो भी बीजेपी के सपोर्टर हैं वो तो खुल के सपोर्ट करते ही हैं दिनेश लाल यादव जी का। और तीसरा पॉइंट है मेरे भाई लोग, जो मुस्लिम वर्ग के जो कुछ लोग हैं वो 100% में 50% कट के कहीं और अपना वोट कर दिए। यही कारण है बीजेपी और दिनेश लाल यादव जी का जीतने का, जो कि माना जाता है सपा आजमगढ़ सपा का गढ़, लेकिन फिर भी सपा का हार हो गया। मेन कारण यही अहिर रेजिमेंट, जिससे खुल के यादव दिनेश लाल यादव जी का सपोर्ट समर्थन में आ गए और इनका सपोर्ट करने लगे। तो मेरे भाई लोग, आप लोग कमेंट में बताइए क्या अहिर रेजिमेंट बन पाएगा या नहीं, क्या दिनेश लाल यादव जी अहिर रेजिमेंट बनवा पाएंगे या नहीं, या बात करेंगे या नहीं, आप लोग बताइए एक बार कमेंट में, बन जाएगा या नहीं। जो भी मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटा दबाएं और इस वीडियो को दबा के शेयर मारें और बताएं क्या अहिर रेजिमेंट बन पाएगा या नहीं। बस यही बोलेंगे, नमस्कार प्रणाम आप सभी को पैर छूके।